हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं समझता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सरकार के द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हुए घर पर रहकर ही अपना अध्ययन कार्य कंप्लीट कर रहे होंगे। आप पढ़ रहे होंगे, अपने स्टडी कर रहे होंगे। तो आपका न्यू सेशन शुरू हो चुका है और आपका रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। हर टीचर आपको कार्य दे रहे हैं समय से, आप भी उन्हें साथ के साथ पूरा करते रहें। तो आपका हम चैप्टर 1 चालू करेंगे, फर्स्ट चालू करेंगे आज क्लास 4th का। तो उसी से रिलेटेड मैं पहले बता दूं कि चैप्टर पहला क्या है, फर्स्ट चैप्टर क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। लार्ज नंबर, ये नंबर से रिलेटेड चैप्टर है। लार्ज नंबर देखो, जैसे हमने पिछली क्लासों में सीखा था, हमने क्या सीखा था, मोस्टली 1000 तक या 100 तक ही सीखा था डिजिट, 1s, 10s, 100s, 1000s, मोस्टली यही था, या मैक्सिमम 10,000 तक। इसमें क्या है कि हम लैक वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, थाउजेंड्स वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे, 10,000 के बारे में। तो लार्ज नंबर मतलब बड़ी अंक, पढ़ते हैं हम इसे। पिछली क्लास का पढ़ा हुआ आपको सभी को पता होगा, डिजिट्स होती है किस फॉर्म में होती हैं। देखो, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, TTH मतलब 10,000 के बाद लैक, फिर TL मतलब 10 लैक। तो बहुत ही आसान सा चैप्टर है पहला, करते हैं हम स्टार्ट। एक्सरसाइज 1.1 है, क्लियर। हम करते हैं पहला क्वेश्चन, देखो क्या है, बहुत ही आसान चैप्टर है आपका, पिछली क्लास का पढ़ा हुआ चैप्टर है, या बेकस दे रखा हमारे पास। तो इसमें क्या, वंस के नीचे कितनी है, 1 और 2, तो हमारे पास कितने हो गए, 2 डिजिट। तो वंस के नीचे कितने लिखेंगे, 2। टेंस के नीचे काउंट करके 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी हैं, 100 के नीचे, और यहाँ पर देखो 10,000 के नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 0 खाली नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं छोड़ेंगे, 0 लिखेंगे जहाँ कुछ नहीं है, और 10,000 के नीचे 1। तो इसे फिर इसी तरह से ये भी करने हैं आपको, ठीक है। राइट द नंबर, अब 1 मोर देन 20, मतलब इसका मतलब क्या है कि 20 से एक फालतू, मोर देन मतलब फालतू, मतलब इसमें 1 ऐड करके आप लिख देंगे। और ऐड सब्ट्रैक्ट आप 4th क्लास में आ गए, 1st, 2nd, 3rd आपने तीनों क्लासों में पढ़े हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से आते होंगे। मोर देन पूछे तो ऐड करके लिख दो, लेस देन पूछे तो सब्ट्रैक्ट करके लिख दो, और ऐड और सब्ट्रैक्ट अब आप पर आते ही हैं। वो कह रहा राइट ऑल द नंबर्स बिटवीन दीज नंबर्स, ये क्या है, पहले तो हमें डिजिट पता होनी चाहिए, कि हमें इनका पता होनी चाहिए कि कितनी डिजिट है, क्या नंबर है। तो मैं लिख लेता हूँ इसे, चलो मैं अपने पास से लिख देता हूँ, 16394, और मैं लिख दूँ 16399। इनके बीच के डिजिट, इनके बीच में कौन कौन सी डिजिट आएंगे उन्हें लिखता हूँ, कौन कौन से नंबर आएंगे। तो पहले तो हमें कोमा लगाने आने चाहिए, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, क्या होता है, लेफ्ट राइट से लेफ्ट की तरफ, 1s, 10s, 100 के बाद कोमा, फिर 2 डिजिट के बाद कोमा, 2 डिजिट है तो फिर कोमा नहीं लगाएंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर 1s, 10s, 100, अब इनके बीच की जो डिजिट है वो हमको लिखनी है 1 by 1। तो आप लिखोगे ये क्या है, 16,394, इसके बाद क्या आएगा, 16,945, 96, 16,097 और 16,398, कोमा जरूर लगा के लिखेंगे, 3 अंक बाद 3 अंक बाद 3 अंक बाद 3। तो आपका क्वेश्चन नंबर, ये भी आपका क्लियर हुआ। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द राइट 5 टेक्स्ट नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम, इनसे आगे जो 5 डिजिट आएंगे वो लिखनी है, मतलब जितना भी डिजिट आएगी उसमें पहले 1 ऐड करो, फिर जो है उसमें 1 ऐड करो, फिर जो है उसमें 1 ऐड करो, और ऐड करना तो आपको बहुत अच्छी तरह आते हैं, ठीक है। राइट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 60 डिजिट, याद रखना जितने भी डिजिट्स की ग्रेटेस्ट नंबर पूछता है उतनी बार 9 लिख दो। मैं पूछ लूँ आपको 7 नंबर की ग्रेटेस्ट डिजिट क्या होगी, तो आप 7 बार 9 9 9 9 9 लिख लोगे, 3 3, ठीक है, कोमे पहले 3 अंक के बाद फिर 2 के बाद, ठीक है। और जो स्मॉलेस्ट पूछे, मैं पूछ लूँ 7 नंबर की स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होगी, आप पहले 1 लगाओ और उसके बाद 7 डिजिट कंप्लीट कर दो, 1 को काउंट करके, 1s, 10s, 100 मतलब 3 0, ये भी 3 0 ही, आप कोमे लगा दो, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 10 लाख, 10 लाख, क्लियर। ऐसे अब देखो, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड द फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें क्या है कि पहले देखो 34,215, फिर इसमें 2 ऐड करें, फिर इसमें 2 ऐड करें, तो जितने जितने का सेम डिफरेंट है, या तो सब्ट्रैक्ट हो रहे हो ऐड कर रहे हो, बिल्कुल सेम
आप इसी तरह से करते जाओ। देखो इसके बाद दो ऐड कर दिया, इसके बाद दो ऐड कर दिया, तो जितने आ रहे उसमें दो दो ऐड करना, क्लियर? ठीक है, तो यही है, आप इन्हीं क्वेश्चनों को करें आज। थैंक यू।